जय श्री राधे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए आए हैं एक बहुत सुंदर कथा लेकर के कि वृंदावन के प्रधान ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य कैसे हुआ, श्री राधा रमन लाल जी कैसे प्रकट हुए, श्री राधा रमन लाल जी को किन भक्तों ने प्रकट किया और क्या क्या श्री ठाकुर जी ने लीलाएं करी, आज की वीडियो में हम आपको बताने आए हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। सबसे पूर्व आपको बतलाते हैं कि श्री राधा रमन लाल जी की जो लीला है वो प्रारंभ होती है, उनके आगमन की जो कथा है उसका प्रारंभ होता है दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। दक्षिण भारत में एक मंदिर है कावेरी जी के तट पर जिसका नाम है श्री रंगम जी। श्री रंगम जी के मंदिर के मुख्य पुजारी थे श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगम जी की सेवा करते थे, मुख्य पुजारी थे। ये तीन भाई थे, पर इन तीन भाइयों में एक भाई जो है वो सन्यासी बनकर के काशी चले गए और उनका नाम हो गया था श्री प्रकाशानंद जी। आगे चल करके इनका नाम श्री प्रबोधानंद गोस्वामी जी हुआ, वो लीला आगे सुनाएंगे। तो वेंकट भट्ट जी जिस समय श्री अपने भगवान की सेवा करते थे, मंदिर की सेवा करते थे, उन्हीं दिनों भगवान के एक अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास्य करने के लिए श्री वेंकट भट्ट जी के पास पधारे। श्री महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे कि दक्षिण भारत में सारे तीर्थों का दर्शन करेंगे, सारे तीर्थों का आनंद लेंगे। तो तीर्थों का दर्शन करते करते श्री महाप्रभु पहुंच गए श्री रंगम जी के मंदिर पर। श्री वेंकट भट्ट जी ने अपने सबसे छोटे बेटे 8 वर्ष के बालक श्री गोपाल भट्ट जी को श्री महाप्रभु की सेवा में नियुक्त कर दिया। महाप्रभु की सेवा करते करते श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में भी श्री ठाकुर जी के प्रति अगाध भक्ति आ गई। श्री गोपाल भट्ट जी ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करी महाराज। श्री महाप्रभु ने अपने जीवन में एकमात्र केवल एक ही दीक्षित शिष्य बनाया और वो बनाया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दीक्षा दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस भक्त को आगे की शिक्षा और सारे वेदों का ज्ञान देने के पश्चात इनको भेज देना आप नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी में स्नान करेंगे, गंडकी में स्नान करने के पश्चात इन्हें भेजना वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जी ने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद चले गए अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के नेपाल में। नेपाल में गंडकी नदी बहती है, नेपाल में पहुंचे मुक्तिनाथ क्षेत्र में। मुक्तिनाथ में दामोदर कुंड है, दामोदर कुंड में साक्षात श्री हरि श्री शालिग्राम भगवान के रूप में शिला रूप में विराजते हैं। जब श्री गोपाल भट्ट जी ने मुक्तिनाथ में उस दामोदर कुंड में स्नान किया तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उनके वस्त्र में 12 शालिग्राम अपने आप आकर के लिपट गए स्वयं। गोपाल भट्ट जी ने वो 12 शालिग्राम को पुनः जल में प्रवाहित कर दिया, वो पुनः आ गए। 2-3 बार ऐसा प्रसंग हुआ कि वो 12 शालिग्राम बार बार आ जाते, तब गोपाल भट्ट जी के मन से एक आवाज आई कि इन शालिग्राम को लेकर के आप वृंदावन पधारो, वृंदावन में इनकी सेवा करो, आगे चल करके इन्हीं के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। गोपाल भट्ट जी वो 12 शालिग्राम को लेकर के वृंदावन आ गए। इस कथा के बाद जब वृंदावन आए तो कुछ समय बाद जो है गोपाल भट्ट जी पहुंचे थे सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के निकट देवबंद में, जो आज के समय में देवबंद है, पहले उसका नाम था देववन या देववृंद, माने देवताओं का वन। तो जब देववन पहुंचे श्री गोपाल भट्ट जी तो उस देवबंद में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री गोपीनाथ दास जी। गोपीनाथ दास जी ने अपने सारे गाँव के साथ श्री गोपाल भट्ट जी की खूब सेवा करी और खूब सेवा करने के पश्चात अंत में गोपीनाथ दास जी ने भी अपने माता पिता से आज्ञा ली और गोपाल भट्ट जी का शिष्य बन करके उनके साथ वृंदावन आ गए। गोपाल भट्ट जी के साथ वृंदावन आए, गोपीनाथ दास जी उनकी खूब सेवा करते। अब वृंदावन में जितने गोस्वामी गण थे ना, उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को खूब लाड़ लड़ाया, खूब प्रेम किया, क्योंकि वह जानते थे कि साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को भेजा है। उस समय ये 6 गोस्वामीगण प्रसिद्ध हो गए महाराज। इनका जो 6 गोस्वामीगण है इनका नाम है श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्रीमन जीव गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास जी, श्री रघुनाथ भट्ट जी और श्री गोपाल भट्ट जी। सबके अपने अपने ठाकुर हैं, सब अपनी अपनी भक्ति अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो एक दिन की बात है, श्री गोपाल भट्ट जी जो है, जिस समय गोपाल भट्ट जी की लीला चल रही थी, अपने शालिग्राम को जो लेकर के नेपाल से आए थे उनकी सेवा करते थे चंदन से, इत्र से, पुष्प से। पर गोपाल भट्ट जी ने देखा कि वृंदावन में 3 स्वयंभू ठाकुर प्रकट हो चुके हैं जिनका नाम है श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी। मदन मोहन जी की सेवा करते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री गोविंद देव जी की सेवा करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी और श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं श्री मधु पंडित जी। गोपाल भट्ट जी इन तीनों ठाकुरों को देख करके रोने लगे कि हे मेरे ठाकुर, आप मुझे मिले भी तो शालिग्राम के रूप में,
आप यहाँ पर गोविंद देव जी के रूप में कितने प्यारे लगते हो। भक्तों को अवसर मिलता है कि आपका श्रृंगार कर सके, आपको माला पहना सके, आपको धोती पहना सके, आपकी अनेक प्रकार से सेवा कर सके, आपके चरण दबा सके। गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, तो आप इन रूपों में जब इन भक्तों को प्राप्त हुए हो तो आप मुझे केवल एक गोल गोल शिला के रूप में प्राप्त हुए। एक गोल शिला है, मैं आपको कैसे धोती पहनाऊं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं अपने ठाकुर को तो केवल और केवल माला फूल और चंदन ही अर्पित कर सकता हूं, और कुछ तो अर्पित भी नहीं कर सकता। एक कथा इसमें और प्रचलित है जो लोक कथाओं में आता है कि एक बार गोपाल भट्ट जी के कक्ष के बाहर से गली से एक व्यापारी जा रहा था जो सबको कह रहा था, जोर जोर से पुकार रहा था कि ठाकुर जी के लिए पोशाक ले लो, ठाकुर जी के लिए पोशाक ले लो। सारे भक्तों ने आकर के पोशाक ली तो गोपाल भट्ट जी ने भी कहा कि भाई हमारे ठाकुर जी के लिए भी कोई पोशाक दिखाओ। तो वो व्यापारी कहता है कि आपके ठाकुर तो गोल गोल हैं, इनके लिए कोई पोशाक नहीं है। तब भी गोपाल भट्ट जी का हृदय में बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी आप मुझे कैसे प्राप्त हुए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। हर समय श्री श्याम सुंदर के विरह में श्री गोपाल भट्ट जी रोते रहते, कभी कभी मूर्छित हो जाते। एक दिन की बात है, श्री सारे गोस्वामीगण बैठे थे और श्री गोपाल भट्ट जी के पास जगन्नाथपुरी से एक भक्त आया श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर, और आकर के कहता है कि श्री महाप्रभु ने आपके लिए अपनी निज कॉपीन और पट्टा भेजा है। सब बहुत प्रसन्न हुए कि महाप्रभु ने अपनी स्वयं की कॉपीन आपको दी है, वो भक्ति करने वाला पट्टा भी आपको दिया है, आपका बड़ा भाग्योदय है। अब दिन आता है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन ही श्री नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने देखा कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी में से नरसिंह भगवान की लीला श्रवण करी, पढ़ी, और लीला पढ़ने के बाद उनके मन में और दुख हुआ कि ठाकुर जी आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए उस राक्षस हिरण्यकश्यप के महल के खंभे से प्रकट हो सकते हो, तो आप मुझे शालिग्राम के रूप में साक्षात मिले हो तब भी प्रकट नहीं हो रहे। बहुत दुख हुआ, रात्रि में रोते रोते सो गए कि ठाकुर जी आप मुझे कैसे प्राप्त हुए, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। कोई शालिग्राम की सेवा करके रात्रि में जब सोए तो सपने में उनको अनुभूति हुई कि श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के बैठे हैं और श्री गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी के सर पर अपने हाथ फेर रहे हैं, महाराज प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपाल भट्ट जी अब आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ साक्षात आपकी सेवा से आनंदित होने के लिए, आप जाइए जल्दी से अपने द्वादश शालिग्राम का जाकर दर्शन कीजिए। ये सुनते ही गोपाल भट्ट जी की निद्रा खुली और जैसे ही नेत्र खुले उन्होंने अपने सेवक श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी को उठाया, दोनों दौड़ करके श्री जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करके आए तो जहां द्वादश शालिग्राम थे वहां एक कपड़ा रखा था, कपड़े में लपेट करके एक बड़ा सा शालिग्राम भी था। तो पहले सबको अनुभूति हुई कि इस वस्त्र के नीचे विषधर यानी सांप आकर के बैठ गया, कोई सर्प है। वो ऐसे कपड़ा उठा था, जब ठाकुर जी के ऊपर कोई वस्त्र उड़ाया जाएगा तो ऐसा लगा उन्हें कि मानो कोई सर्प है। गोस्वामीगण ने एक वृक्ष की टहनी ला करके उस वस्त्र को हटाया और जैसे ही वस्त्र हटाया सबने सोचा था कोई सर्प है, और सर्प के स्थान पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी अपने त्रिभंग ललित छवि लेकर के वहां पर विराजित थे। महाराज सबने दर्शन किया कि शालिग्राम जी की जो शिला थी उस शालिग्राम में से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। तो इस प्रकार हमारे ब्रज के प्रधान ठाकुर लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी आज से 482 वर्ष पूर्व स्वयंभू श्री शालिग्राम जी की शिला से प्रकट हुए थे। आगे चल करके इसी परंपरा में श्री दामोदर दास गोस्वामी जी और सुदामिनी जी श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे, और उन्हीं के वंश परंपरा में जितने भी भक्त आए हैं वही श्री राधा रमन लाल जी की सेवा करते हैं। महाराज बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। इस प्रकार हमारे ब्रज के प्यारे ठाकुर प्रकट हुए। आपको ये लीला सुनाई, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना संदेश जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री राधा रमन लाल की जय जरूर लिखिए। जय जय श्री राधा।